ऐप लाइब्रेरी भी यहाँ पे आ रहा है जैसे फोन में होता है, आईओएस डिवाइस में होता है, सेम उस तरीके से देखने को मिल जाता है। इसमें भी आपको प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं, रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो यस, यहाँ पे फर्क तो कर रहा है, ऐसे कोई दिक्कत ही नहीं, यहाँ पे तो काम कर रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास है फायरबोल्ट की ड्रीम वॉच, एंड गाइस यहाँ पे मैंने इसका रिव्यू अनबॉक्सिंग भी कर रखा है, एंड इसका गिव अवे भी लाइव है, आप जाके इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो। अभी भी गिव अवे लाइव है, इस मंथ तक पूरा चलेगा जब तक हमारे 50 के व्यूज़ नहीं आते उस वीडियो पे। तो गाइस यहाँ पे पार्ट वन मैंने बना दिया था और अच्छा रिस्पॉन्स था, आपकी सारी क्वेरीज ली थी पार्ट वन में, और पार्ट टू में भी आपकी सारी क्वेरीज लेने वाला हूँ। तो ये पार्ट टू रहने वाला है, क्योंकि पार्ट वन में अगर मैं इंक्लूड करता तो बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो और भी क्वेरीज आती जा रही है, तो उनको मैं पार्ट बाय पार्ट यहाँ पे बनाता रहूँगा वीडियो। अगर आपकी और भी कोई क्वेरी आती तो ज़रूर आप मेरे से कमेंट सेक्शन पूछ सकते हो। तो आज भी आप सभी की क्वेरीज हम लेने वाले हैं। तो फिलहाल मैं इसको अप्रॉक्सीमेटली जब से आई है तब से मैं यूज़ कर रहा हूँ, और यहाँ पे कह सकते हो कि अच्छा एक्सपीरियंस रहा है मेरा वैसे इस वॉच को यूज़ करने का। बट बहुत सारे फ्लॉज भी हैं, जैसे कि इसमें एंड्रॉयड वर्जन बहुत पुराना है, जो कि कहीं ना कहीं बिल्कुल भी मैनेजेबल नहीं है, और ऑलमोस्ट 6 से 7 साल पुराना इसमें एंड्रॉयड वर्जन दिया गया है। दूसरा, इसमें सिक्योरिटी पैच का अपडेट भी नहीं है, तो गाइज़ ये भी एक सिक्योरिटी कंसर्न भी रह सकता है। और यहाँ पे मैं रिकमेंड करूँगा आपको कि आप सेकेंडरी सिम इसमें यूज़ कर सकते हो, काफ़ी बेटर रहेगा रेदर देन प्राइमरी सिम, क्योंकि ऑब्वियसली बात है आपको अलग से नंबर लेना पड़ेगा इसमें अगर आपको यूज़ करना है। हाँ, जो डबल सिम यूज़ करते हैं, ड्यूअल सिम यूज़ करते हैं अपने फ़ोन में, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, इसमें आप दूसरा सिम डाल सकते हो। बट जो लोग ड्यूअल सिम फ़ोन यूज़ नहीं करते हैं, सिंगल ही सिम यूज़ करते हैं, तो उनके लिए इशू है कहीं ना कहीं, उनको कहीं ना या तो अपना प्राइमरी सिम डालना पड़ेगा इसमें, या तो दूसरा सिम लेना पड़ेगा। तो मैं रिकमेंड करूंगा आप सेकेंडरी सिम इसमें डालें रेदर देन प्राइमरी सिम, क्योंकि सारे के सारे बैंक अकाउंट्स, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, सब कुछ आपको इससे लिंक करना पड़ेगा, जो कि सिक्योरिटी के हिसाब से थोड़ा सा इशू हो सकता है, क्योंकि इसमें सिक्योरिटी पैच भी नहीं है, बहुत पुराना इसका सिक्योरिटी पैच है, और कहीं ना कहीं अपडेट करना चाहिए कंपनी को सिक्योरिटी पैच को लेकर। और बहुत सारे लोग इसमें मेरे से बहुत सारी चीज़ें पूछ रहे थे, बैटरी बैकअप उनका नहीं सही हो रहा है, या कौन से चार्जर से चार्ज करें। मैंने तो एक वीडियो बना दी थी आपको कौन से चार्जर से चार्ज करें, बट फिलहाल यहाँ पे बैटरी ड्रेन इशू बहुत ज़्यादा आ रहा है लोगों को। और अगर आपने मेरी वाली वीडियो में नहीं देखी है जहाँ पे मैंने बैटरी सेविंग टिप्स आपको बताई है 5x2, तो आप जाके चेक कर लो। एंड ध्यान रखना एक चीज़, आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखनी है, जब आपकी वॉच चार्ज हो रही हो तब आपको इसमें नेट वेट ऑन नहीं करके रखना है, तो ज़्यादा बैटरी आपकी खपत होगी, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। अब गाइस मैंने एक वीडियो और बनाई थी यहाँ पे, मतलब इसमें पोको लॉन्चर इंस्टॉल करके दिखाया था, काफ़ी अच्छा रन कर रहा है, और पोको लॉन्चर ही मैंने इसमें डाला हुआ है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे पोको लॉन्चर, आई गेस यहाँ पे मैंने क्लियर कर दी मेमोरी, तो यहाँ पे पोको लॉन्चर हट चुका है, देख सकते हो यहाँ पे इस तरीके से आपका हो गया है ये रहा। तो पोको लॉन्चर के लिए मैंने यहाँ पे टैप करना है और यहाँ पे पोको लॉन्चर मेरा ऑन हो जाएगा। तो मैंने पोको लॉन्चर को एज अ सेट एज अ डिफॉल्ट पे करना पड़ेगा, जब जाके ये डिफॉल्ट में करने के बाद ही आपका ये पोको लॉन्चर वर्क करता है, नहीं तो ये पोको लॉन्चर आपका बाय डिफॉल्ट हट जाएगा। तो इसको आपको होम स्क्रीन पे सेट करना पड़ेगा। तो काफ़ी अच्छा रन कर रहा है, लैग वैग नहीं है देखने के लिए, देखने को नहीं मिलता है लैग। इसमें आपको अराउंड 58 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट वाली डिस्प्ले मिलती है, बट ये एक एमोलेड पैनल नहीं है, ये एक TFT IPS पैनल है कह सकते हो आप इसको, और वाइब्रेंट है डेफिनेटली, यहाँ पे पिक्सल साइज अच्छा है जिसकी वजह से वाइब्रेंट डिस्प्ले लगती है। एंड गाइस यहाँ पे कुछ इश्यूज देता हूँ लोगों के, जो सबसे पहला इशू है लोगों को वो है बैटरी। देखो गाइस बैटरी यहाँ पे आपकी यूनिट में अगर इशू है तो वो आपको डे फर्स्ट से पता चल जाएगा, जब आपको वॉच मिलेगी आपको इसको पूरा डिस्चार्ज कर देना है, 100 से 0% आपको कर देना पूरा फुली डिस्चार्ज इसको, उसके बाद आपको चार्ज पे लगाना है। और ध्यान रखना है आपको 5 वॉट का चार्जर या 10 वॉट का चार्जर आपको यूज़ करना है इस वॉच में, यस ये चीज़ ध्यान में रखनी है आपको, अगर नहीं यूज़ करोगे तो वॉच खराब भी हो सकती है। तो मैक्सिमम से मैक्सिमम 15 वॉट का चार्जर, इसके ऊपर नहीं, 18 वॉट, 20 वॉट या 60 वॉट का यूज़ करो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा बिल्कुल भी। एंड गाइस यहाँ पे आपकी बैटरी लिटरली 2 दिन चल जाएगी ओनली फॉर कॉल्स, यस सिर्फ कॉल वाला आप उठा रहे हो ऐसे आइडल बेसिस पर रखिए, 2 दिन आराम से चल जाती है। बट अगर आप रेगुलर यूज़ कर रहे हो इसको, तो हैवी यूज़ करने पे तो अराउंड ये 5-6 घंटे ही चलती है, 5-6 घंटे से ऊपर नहीं चलेगी, ये चीज़ ध्यान में रखना है आपको। बट अगर आइडल बेसिस पे आप इसको यूज़ कर रहे हो, सिर्फ कॉलिंग आप ले रहे हो, तो आराम से ये 1.5 से 2 दिन निकाल सकती है आपके यूजेज पैटर्न पे। किसी को 1 दिन भी मिल सकता है, किसी को 1.5 दिन मिल सकता है, किसी को 2 दिन मिल सकता है। तो मेरे यूजेज में कहीं ना कहीं यहाँ पे अराउंड दूसरे दिन रात को डिस्चार्ज हो जाती है पूरी की पूरी, तो ये है कहीं ना कहीं। अभी मैंने इसका जो बैटरी है वो फुल चार्ज किया है, अराउंड सुबह ही किया था इसको मैंने फुल चार्ज, तो अभी 92 दिखा रहा है, तो 8% ऑलरेडी जा चुकी है। यहाँ पे मैंने कोई भी कॉल्स नहीं उठाए इसमें, हाँ कॉल रिंग कर रहा था, किसी का नंबर आया था रिंग कर रहा था, उसमें भी स्पीकर का वॉल्यूम बजता है तो उसमें बैटरी जाती है, तो ये है कहीं ना कहीं। एंड यहाँ पे बहुत सारे लोग बोल रहे थे अपडेट के बाद जो है इसका फ्लोटिंग विंडो गायब हो चुका है, तो गाइस देखो मेरे फ्लोटिंग विंडो नहीं आ रहा है, यहाँ पे मैं डिस्प्ले में जाऊँगा तो यहाँ पे मैं ऑन कर सकता हूँ, तो फ्लोटिंग विंडो आराम से आ जाएगा, आपको ऑन कर लेना मैनुअली जाके डिस्प्ले में, और यहाँ से आपका फ्लोटिंग विंडो प्रॉपरली वर्क करता है, कोई भी दिक्कत नहीं है आपको, है ना। अब गाइस यहाँ पे एक और क्वेरी आया था मेरे पास कि iOS वाला लॉन्चर इंस्टॉल करके दिखाओ, iOS वाला लॉन्चर इसमें चाहिए हमको, तो एक बार मैं आपको दिखाता हूँ iOS लॉन्चर इसमें
अच्छा साबित नहीं हो रहा है, मतलब उतना अच्छा काम नहीं कर रहा है। मैंने आपको यहाँ पे मैंने इंस्टॉल कर रखा है वैसे इसमें, मैं आपको दिखाता हूँ कैसे काम कर रहा है। वैसे तो पहले तो इसमें एड्स चलते हैं क्योंकि ये पेड एप्लीकेशन है जो iOS लॉन्चर है टाइप की, बट मेरे को अभी ऐसा कोई मेजर इशू नहीं है कि कोई एप्लीकेशन सपोर्ट ना कर रही हो, क्योंकि एंड्रॉइड 8.1 है। अब मे बी अगले साल इसमें एप्लीकेशन सपोर्ट ही ना करें, हो सकता है, क्योंकि आपको पुरानी एप्लीकेशन चलानी पड़े, नई नई एप्लीकेशन वो होती है ना अपडेट होती रहती है, तो उससे भी होता है कहीं ना कहीं। तो ये है एंड यहाँ पे लोड हो रहा है, देखो ये हो चुका है। बैक करते हैं और एग्ज़िट करते हैं, यहाँ पे iOS लॉन्चर आ जाएगा। देखो ये है iOS लॉन्चर और यहाँ पे आप टैप करोगे तो इस तरीके से एक के ऊपर एक आइकन्स आ रहे हैं। तो ये है कहीं ना कहीं इसमें इशू, तो इसको आप मैनेज नहीं कर सकते, इसको आप थोड़ा सा एडिट भी कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पे कहीं भी मेरे को ऐसा पता नहीं चल रहा है कैसे क्या होगा। ये देखो ये पूरा प्रॉपर ऐप लाइब्रेरी भी यहाँ पे आ रहा है, जैसे फ़ोन में होता है iOS डिवाइस में होता है, सेम उस तरीके से देखने को मिल जाता है इसमें भी आपको। ये भी काफ़ी अच्छी बात है, बट अगेन गाइस इसके जो आइकन है उसको आप थोड़ा सा बड़ा छोटा नहीं कर सकते। तो ये है थोड़ा सा कहीं ना कहीं, इसको मैं अगर खोलता भी हूँ, ये जो आपकी एप्लीकेशन है iOS लॉन्चर वाली, इसमें कहीं भी आइकन साइज को कस्टमाइज़ करने का ऑप्शन नहीं दिया गया है। आइकन ज़रूर चेंज कर सकते हो आप, बट जो साइज़ है आइकन का वो आपका फिक्स रहेगा, तो इसी वजह से मेरे को ज़्यादा पसंद नहीं आई। यहाँ पे देखते हो लॉक स्क्रीन और यहाँ पे जनरल में जाते हो, जनरल में भी आपको ज़्यादा चीज़ नहीं मिलती। हाइड नेविगेशन और ऐप साइज ही रहा, ओके ओके है यहाँ पे, बट ऐप साइज़ भी अगर मैं एकदम मिनिमल भी कर देता हूँ ना, मतलब अरेंज वे में नहीं मिलता आपको देखने के लिए। मैं आपको दिखाता हूँ, देखो बहुत छोटे हो गए ऐप आइकन से। अब यहाँ पे मैं एग्जिट करूँगा तो यहाँ पे लिटरली यहाँ पे आधा आधा कटा कटा दिखाई देगा आपको। देखो ये चिपके चिपके दिख रहे हैं, इसमें आपको प्रॉपर विजिबल नहीं हो रहा है। तो ये है, ये ज़्यादा अच्छी नहीं है लॉन्चर आपके लिए, इससे कोई बेटर होगा तो ज़रूर बताऊंगा, बट फिलहाल पोको वाला लॉन्चर काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे पूरा फ़ोन की तरह काम करता है, काफ़ी अच्छा मेरे को एक्सपीरियंस मिला है पोको लॉन्चर से, है ना। तो आप पोको लॉन्चर इसमें यूज़ कर सकते हो। एंड टैप टू वेक, टैप टू स्लीप का मैंने एक ऑप्शन बता दिया था आपको, उसके लिए एप्लीकेशन आपकी लगेगी। मैंने यहाँ पे इंस्टॉल भी कर रखी है एप्लीकेशन, ये रही डबल टैप टू वेक एंड ऑफ स्क्रीन, तो आप इसको आप चूज़ कर सकते हो। तो ये है कहीं ना कहीं, बहुत सारे लोगों से इससे बैटरी ज़्यादा जाएगी, तो यस गैस जाएगी बैटरी ज़्यादा, बट अगेन गैस अगर आप रेशो वेक ऑफ कर दोगे तो इसका टैप टू वेक वाला ऑप्शन काम करेगा, तो वही बराबरी पड़ जाएगा, चाहे आप रेशो वेक ऑन कर लो, चाहे आप टैप टू वेक कर लो, चाहे आप बटन से ऑन करोगे तो आपको किसी भी चीज़ की जरूरत नहीं पड़ेगी। रेशो वेक भी आप ऑफ कर दो, आप टैप टू वेक वाला भी ऑफ कर दो, तो बटन से आप करोगे तो सबसे ज़्यादा बैटरी बचेगी इसकी, तो ये ध्यान रखना है आपको, तो उससे भी आपकी इस वॉच में बैटरी बच सकती है। अब गैस बहुत सारे लोग कह रहे थे कि इसमें जो मैप्स हैं वो प्रॉपर काम नहीं करते, यस वही मैप्स का भी देख लेते हैं यहाँ पे। जैसे मैंने नेट ऑन कर दिया, अभी इसमें नेट ऑन हो चुका है, तो यहाँ पे गूगल मैप्स कहाँ गया ये रहा। तो मैप्स में लोकेशन सेट नहीं होती, लोकेशन यहाँ पे वर्क नहीं करती, जैसे कि सपोज मैं प्रॉपर लोकेशन डालूंगा तो यहाँ से स्टार्ट ही नहीं होता है। इवन तो इसमें GPS मिलता है आपको इनबिल्ट, बट वो काम नहीं करता सही से, बहुत सारे लोग कह रहे थे, तो भी चेक कर लेते हैं एक बार। सेटिंग में चलते हैं यहाँ पे, अगर मैं बात करूँ आप सभी से, इसमें लोकेशन सर्विसेज आप यहाँ पे ऑन कर सकते हो, ये ऑफ है बाय डिफॉल्ट, मैंने ऑफ कर रखी है। और यहाँ पे जितना ज़्यादा इसकी हाई एक्यूरेसी रखोगे, जो भी आप रखोगे, तो बैटरी ज़्यादा खपत होगी, तो बैटरी सेविंग मोड पर आपको रखना है इसको। तो ये है एंड चलिए चेक करते हैं यहाँ पे, हो सकता है क्योंकि एंड्रॉइड वर्जन पुराना है तो यहाँ पे क्या पता ना ले सही से, ये भी है कहीं ना कहीं। मैंने इसको एक्चुअल में यूज़ नहीं किया है, ये जो मैप्स एंड नेविगेशन वाला है प्रॉपरली, बट अगेन गाइस यहाँ पे जो ये 1-2-3 वाला है ना, ये देखो यहाँ पे कितना नीचे को है इसका, ये देखो यहाँ पे मेरा हाथ ही नहीं पहुँच रहा है, ये देखो ये वाला टच हो रहा है, ये 1-2-3 वाला नहीं जा रहा है, तो यही है कहीं ना कहीं। अब यहाँ पे सपोज मेरे को जाना है नोएडा, देखो यहाँ पे प्रॉपरली नहीं लिया इसने, NOI नोएडा ही रहा, तो यहाँ पे टैप करते हैं, तो यहाँ पे नोएडा इसने दिखा दिया है। और डायरेक्शन सब हम देखते हैं यहाँ पे, बताएगा कि नहीं बताएगा। बैटरी आपको ध्यान रखनी है कितनी ख़त्म हो रही है, वो भी चेक कर लेंगे। यहाँ पे इससे चलते हैं, 23 किलोमीटर दिखा रहा है यहाँ से। देखो यहाँ पे अगर मैं स्टार्ट करता हूँ, गॉट इट डिसमिस, स्टार्ट करते हैं, तो यस यहाँ पे फर्क तो कर रहा है, ऐसा कुछ कोई दिक्कत ही नहीं, यहाँ पे तो काम कर रहा है। हो सकता है बीच में लोग मतलब थोड़ा सा रूट खो दे, ये मैं मान सकता हूँ, बट अगेन गाइस यहाँ पे तो मेरे में तो ऐसा कुछ काम कर ही रहा है, देखो एकदम सही दिखा रहा है, हेड वेस्ट देन टर्न लेफ्ट, प्रॉपर है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे मैं कट करता हूँ इसको, तो ये तो काम कर रहा है। अब कुछ लोग पूछ रहे थे कमेंट सेक्शन में कि इसमें PDF स्क्रॉल करते करते कितना हम कितनी देर तक इसकी डिस्प्ले ऑन रख सकते हैं। अब PDF स्क्रॉल करने के लिए जो पर्सन पूछ रहे हैं, क्या पता वो अपनी पर्सनल रीडिंग के लिए, एग्ज़ाम के लिए तैयारी करने के लिए पढ़ रहे हो, मांग रहे हो, पूछ रहे हो। अब कुछ लोग ऐसे ही पूछ सकते हैं कि उनको चीटिंग करनी हो, तो गाइस मैं आपको क्लियर कर दूं, एग्जाम में अलाउड नहीं है, इस तरीके की वॉच अलाउड ही नहीं होती है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। PDF रीडर तो ज़रूर मिल जाता है इसमें, PDF रीड कर सकते हो प्रॉपरली, कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली आपको।
एंड यस यहाँ पे प्रॉपरली रीड कर जाती है पीडीएफ, आप कर सकते हो उसमें, कोई भी दिक्कत नहीं है। अब कुछ मैं इश्यूज लेता हूँ लोगों के, देन हम आगे बढ़ते हैं। हाउ यू हैव पुट योर फोटो एज अ वॉच फेस, तो इसमें कुछ भी दिक्कत नहीं है, यहाँ पे टैप एंड होल्ड करना है आपको, यहाँ पे ये हट रहा है एक्चुअली, यहाँ से करते हैं हाँ, तो टैप एंड होल्ड करके यहाँ पे वॉलपेपर पे जाना है, दैट्स इट। यहाँ पे आप वॉलपेपर आप चेंज कर सकते हो, तो यहाँ पे माय फोटोज़ में जाके भी आप यहाँ से कर सकते हो, तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे आप लगाना चाहो यहाँ से लगा सकते हो, तो कैसे आसानी से लग जाता है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे इन्होंने यही पूछा है कि पीडीएफ कैसे क्या मतलब वर्क करेगा, 3 से 4 घंटे चलेगा कि नहीं चलेगा, वो मैं करके चेक करूँगा एक बार। एंड इस प्राइस में 5G फ़ोन मिल जाएगा, नो गैस 7,000 रुपये में तो आई गैस नहीं मिलेगा आपको 5G फ़ोन, 7,000 रुपये में ही ये वॉच है आई थिंक, तो 7,000 में तो आपको 5G फ़ोन नहीं मिल सकता, ये तो है कहीं ना कहीं। एंड अभी तक मेरे पास कोई ऐसा एज सच ऑप्शन नहीं आया है कि मैं अपने फ़ोन के साथ इसको पेयर कर सकूँ, फ़ोन के साथ ये कनेक्ट हो सके, तो कोई एप्लीकेशन मेरे को एज सच मिली नहीं है अभी फिलहाल तो। एंड हाँ, बहुत सारे लोग मेरे से पूछ रहे थे कॉल रिकॉर्डर इसमें काम करता है क्या, तो कॉल रिकॉर्डर मैं आपको दिखाता हूँ एक बार, कॉल रिकॉर्डर चाहिए होता है लोगों को बहुत सारे, तो यहाँ पे जैसे कि साउंड यहाँ पे अनाउंसमेंट होता है कि नहीं वो भी चेक कर लेंगे एक बार, तो यहाँ पे जाते हैं प्ले स्टोर, स्लो है डेफिनेटली, यहाँ पे 28 नैनोमीटर का प्रोसेसर इसमें लगा हुआ है जो कि बहुत ज़्यादा पुराना है, इसकी वजह से स्लो चलता है कॉल रिकॉर्डर। तो कॉल रिकॉर्डर ये रहा, वॉइस रिकॉर्डर है, ऑटोमेटिक कॉल रिकॉर्डर ACR, तो इसको हम इंस्टॉल करते हैं। यहाँ पे मैं कॉल मिलाऊंगा और कॉल मिला के रिकॉर्ड करके दिखाऊंगा आपको इस वीडियो में पर्टिकुलरली, तो आपको पता चल जाएगा कॉल रिकॉर्डर काम करता है कि नहीं करता। तो यहाँ पे ओपन करते हैं कॉल रिकॉर्डर को, ओपन करने के बाद टर्म्स एंड कंडीशन कुछ होती है इनकी, अप्लाई आपको वो कर देनी है, थोड़ा सा टाइम मिलेगा लोड होने में। स्टार्ट करते हैं, नेक्स्ट, अलाउ, 3 चीज़ें आपको अलाउ कर देनी है इसमें, लोकेशन, स्टोरेज, ऑडियो एंड कॉन्टैक्ट्स, ओवरले भी आपको ऑन करना पड़ेगा, देन ओनली यहाँ पे करेगा काम ये, ओवरले यस कर देते हैं, यस अलाउड, ग्रांट कर देना है इसको लास्ट में। तो यहाँ पे रिकॉर्डिंग आपका हो जाएगा, मेक अ कॉल पे जाते हैं, तो यहाँ पे हम आ चुके हैं, हम डायल करते हैं, सपोज मैं कस्टमर केयर का नंबर डायल करता हूँ एक बार, इसको हम रिकॉर्ड करने की कोशिश करेंगे, तो यहाँ पे कॉल लग रही है, ठीक है, देखो यहाँ पे सर्चिंग आ रहा है ऐसा कुछ, बट यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं हो रहा है आई गेस, एड चल रहा है एक्चुअली, तभी टाइम लग रहा है, प्रॉपरली वर्क कर रहा है, रिकॉर्ड कर रहा है। तो इस तरीके से कॉल को आप रिकॉर्ड कर सकते हो अपनी वॉच में, तो ये भी काफ़ी अच्छी बात है, अब सारे के सारे कॉल्स इसमें रिकॉर्ड होंगे, कोई दिक्कत नहीं है आपको। इसमें ट्रू कॉलर भी काम करता है, तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है आपको, ट्रू कॉलर भी आप इसमें रन कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे और चीज़ों को चेक कर देते हैं, यहाँ पे जैसे कि आपको एप्लीकेशन अनइंस्टॉल करनी है, कुछ लोग पूछ रहे थे कैसे इसमें अनइंस्टॉल करेंगे, तो मैं आपको दिखाता हूँ एक बार, सपोज़ मेरे को iOS इंस्टॉल जो मैंने किया iOS इंस्टॉलर मतलब iOS लॉन्चर उसको भी अनइंस्टॉल करना है, तो ऐप इन्फो पे जाना है आपको यहाँ पे डायरेक्टली, और ऐप इन्फो में जाने के बाद यहाँ पे अनइंस्टॉल का ऑप्शन आ जाएगा डायरेक्टली, तो यहाँ से आप कर सकते हो, तो ये अच्छी बात है। यहाँ पे लॉक स्क्रीन वाला भी हट गया है, तो यहाँ पे इस तरीके से आप चेकआउट कर सकते हो। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि ये इनका जो क्राउन की है वो वर्क नहीं कर रहा, देखो गाइस पोको लॉन्चर में ये वर्क नहीं करता है, ये है कहीं ना कहीं, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। एंड आपका ये वर्क करेगा, आई थिंक मैं दिखाता हूँ, यहाँ पे डबल टैप कर दिया हमने, इसमें भी नहीं काम कर रहा है, देखो ये आपकी बहुत सारी एप्लीकेशन जो खुली हुई हैं ये तो आप क्लियर कर सकते हो बाहर से, पोको लॉन्चर आपके पास तो यहीं से ये मेमोरी क्लियर करने का ऑप्शन आया था यहीं से ही। थोड़ा सा वही है कि मतलब इसमें टच रिस्पॉन्स बेटर होना चाहिए था, एंड्रॉयड वर्जन कम से कम 11 देना चाहिए था इनको, तो मेरे को लगा कहीं ना कहीं मिसिंग है इसके अंदर से। एंड ये प्रॉपर तो रिप्लेस नहीं कर सकता आपके फ़ोन को किसी भी मैनर में भी नहीं, क्योंकि बैटरी की बात मैं करूँ, एंड्रॉयड वर्जन की बात करूँ, मैं डिस्प्ले की बात करूँ, रैम रोम की बात करूँ, प्रोसेसर की बात करूँ, वो सब चीज़ें बहुत ज़्यादा पीछे हैं इस वॉच में इटसेल्फ। जो आपको आज से 7 साल पुराने फ़ोन में मिलती थी वही वाला एंड्रॉयड वर्जन इसमें देखने को मिलता है, तो ये कहीं ना कहीं एक लेट डाउन है। और मे भी हो सकता है कि फ्यूचर अपडेट्स में क्या पता कोई प्रो वर्जन है प्लस वर्जन है, इसमें कैमरा भी मिले आपको, यहाँ पे इसमें ही कैमरा मिल जाए जिसके से स्क्रीन टू बॉडी रेशियो तो बेटर मिले, और एमोलेड डिस्प्ले मिल जाए अराउंड वही इसी प्राइस ब्रैकेट में लॉन्च हुआ है, तो काफ़ी कमाल रहेगा, तो वो है कहीं ना कहीं।
एंड क्राउन की आपका कहाँ पे काम करेगी मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे इस तरीके से इसमें काम करेगा प्रॉपरली, देखो इसके जो एप्लीकेशन है इसमें सारा सही से काम करेगा, कोई भी दिक्कत नहीं है। एंड गाइज एक चीज़ और दिखाता हूँ आपको, क्या इसमें कोई अपडेट अवेलेबल है, क्योंकि 8.1 के बाद कोई अपडेट नहीं आया है। इसके बाद सॉफ्टवेयर अपडेट पे जाते हैं, यहाँ पे टैप करते हैं, चेक हो रहा है तो होगा तो पता चल जाएगा, करंट लेटेस्ट वर्जन है, और कोई आएगा तो ज़रूर बताऊंगा, अभी फिलहाल तो कोई अपडेट नहीं आया है इसका। देखो लोकेशन सर्विसेज ऑन रखोगे तो बैटरी तेज़ी से जाएगी इसकी, देखो हाल फिलहाल में 84 हो चुकी है, तो लोकेशन सर्विसेज आपको ध्यान रखना है, ऑफ रखनी है, तो ये चीज़ ध्यान में रखनी है आपको। तो गाइज़ यही थी कुछ क्वेरीज आपकी, मैंने यहाँ पे ले ली है, आई होप इसके अलावा आपका कोई क्वेरी रह जाता है तो ज़रूर आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब करे बिना कहीं भी मत जाना गाइज़, बेल आइकन कॉल कर दो। मिलते हैं आप सभी से अगली वीडियो में, टिल देन बाय बाय।